जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको एमपी के मकबरे और समाधि स्थल याद करवाने वाले हैं। आपको फनी ट्रिक बताएंगे, आपको पूरा वीडियो देखना है, कुछ नहीं करना है, ना कुछ याद करना है। आपसे सबसे पहले टेस्ट लूंगा, आपसे बिल्कुल भी नहीं बनते तब भी आप प्रश्न बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे, आप ही बताएंगे, अभी देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना है, जो भी हमारे नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ठीक है। अगर आप एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी जेल प्रहरी या पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा ये है आपका एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जितने भी समाधि स्थल बने हुए हैं, मकबरे बने हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो इनको आज हम याद करने वाले हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में गिरधारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो चार विकल्प हैं दोस्तों और 2 सेकंड आपके पास हैं और हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। जल्दी से आपको बताना है कि मैंने आपको याद करवाया था कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपने कहा था कि कान्हा को देखकर मन डोला, है ना, कान्हा को देखकर मन डोला, उसी प्रकार तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मंडला हो गया था। तो आपको पता है दोस्तों कान्हा को गिरधारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरधारी, है ना, क्योंकि इन्होंने गिर को धारण किया था तो इन्हें गिरधारी भी कहा जाता है। तो गिरधारी को देखकर मन डोला, तो गिरधारी बाई की समाधि कहाँ होगी? अब आपको ही उत्तर बताना है और आपने बिल्कुल सही बताया है, मंडला, है ना। कान्हा को गिरधारी भी बोला जाता है और गिरधारी को देखकर मन डोला, तो गिरधारी बाई की समाधि स्थल मंडला में है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये समाधि स्थल है गिरधारी बाई की, ठीक है, और ये मंडला में स्थित है। गढ़मंडला की रानी अवंती बाई की सहायिका थी, है ना, अवंती बाई की ये सहायिका थी गिरधारी बाई, है ना। और ये है दोस्तों आपका मंडला, यहाँ पर गिरधारी बाई की समाधि स्थल भी है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे हमें याद भी करना है, टेस्ट भी देना है, मैप के साथ भी पढ़ना है। मध्य प्रदेश में झलकारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है दोस्तों? झलकारी बाई, अब झलकारी बाई से आपको नहीं लग रहा कि झलक दिखला जा, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि कान्हा जी जब थे तो इन्हें क्या कहा जाता था? ग्वाल। और ग्वाल की झलक देखने के लिए, ग्वाल की झलक देखने के लिए गोपियां बहुत बेचैन रहती थी। क्या रहती थी? बहुत बेचैन देख रहती थी ग्वाल की झलक देखने के लिए। तो झलकारी बाई का समाधि स्थल कहां पर होगा? कहां पर होगा? बिल्कुल सही बताया आपने कि झलक देखने के लिए बेचैन रहती थी, कौन कौन की? ग्वाल की। तो ग्वाल से क्या बनेगा? ग्वालियर। तो ग्वालियर में किसकी समाधि स्थल होगा? झलकारी बाई की, ठीक है। तब आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा झलकारी बाई की समाधि स्थल कहाँ है, तो आपको झलकारी से झलक याद आ जाएगी और झलक देखने के लिए बेचैन रहती थी गोपियां, किसकी? ग्वाल की। तो झलकारी बाई का समाधि स्थल कहाँ पर होगा? ग्वालियर में, ठीक है, याद रख लेना दोस्तों। ये थी झलकारी बाई, और झलकारी बाई जो थी रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल भी कहाँ होगा? ग्वालियर में, है ना, और झलकारी बाई का भी ग्वालियर में, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका ग्वालियर, यहाँ पर झलकारी बाई का समाधि की इनकी समाधि है, ठीक है। और यहाँ सास बहू का मंदिर है, मैं कई बार आपको बताता हूँ। और ग्वालियर में एक किला है जिसे किलों का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, सभी को पता है, ठीक है। तो ग्वालियर के बारे में सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में तानसेन की समाधि कहाँ पर स्थित है? दोस्तों तानसेन की समाधि बताना है, और मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि तानसेन ऐसे संगीतज्ञ थे, ऐसे संगीतक थे कि लोग ने गलियों में तान तान ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे? गलियों में तान तान ले जाते थे। तो तानसेन का जो मकबरा होगा, जो समाधि होगी, वो कहाँ बनी होगी? तान तान के ले जाते थे, कहाँ? गलियों में। तो गलियों से ग्वालियर, गलियों से, है ना, ग्वालियर। तो इस प्रकार से तानसेन का मकबरा आपका कहाँ बना होगा? ग्वालियर। अब कभी नहीं भूल सकते, बोले तानसेन को कहाँ तान तान ले जाते? गलियों में। तो गलियों से ग्वालियर, है ना। तो ग्वालियर में है दोस्तों, और ये है तानसेन का मकबरा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, है ना। 1586 यानी कि 16वीं शताब्दी में अकबर ने बनवाया था ये तानसेन का मकबरा, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका ग्वालियर, तो ग्वालियर में आपको याद रखना है तानसेन का
मकबरा स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों अगला पूछा जाता है होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। होशंग शाह है तो ये कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आपको बताना है दोस्तों। और आपने देखा था कि जो शाह लोग होते हैं ना, शाह लोग बहुत ही माइंड इनका बहुत तेज होता है, माइंड इनका घूमता रहता है। आपने देखा, अपने गृह मंत्री भी शाह हैं, अमित शाह, इनका माइंड बहुत तेज होता है दोस्तों। तो होशंग शाह का मकबरा कहाँ होगा, माइंड से मांडू, माइंड से क्या हो जाएगा, मांडू, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोस्तों मांडू में होशंग शाह है, शाह माइंड से तेज होते हैं, है ना, तो माइंड से मांडू और मांडू में होशंग शाह का मकबरा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो मकबरा है संगमरमर का बना हुआ है और भारत की पहली ऐसी इमारत थी जो संगमरमर से बनाई गई थी, पहली इमारत थी। उसके बाद जो ताजमहल बना इसी की अवधारणा पर, शाहजहां द्वारा बनाया गया, इसी को देखकर इसी की अवधारणा पर बनाया गया। ठीक है, और इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो होशंग शाह का जो मकबरा है इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये मांडू में है, मांडू कहाँ पर है, तो मांडू है आपका धार में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है होशंग शाह का। अगला है तात्या टोपे की समाधि कहाँ स्थित है, तात्या टोपे की समाधि बताना है दोस्तों। तात्या टोपे जो थे 1857 की क्रांति के समय भी बहुत ही प्रसिद्ध थे और ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको याद रखना है दोस्तों। और एक चीज बताना, मैं कई बार आपको बताता हूँ कि तात्या टोपे को फांसी दी गई थी शिवपुरी में, और शिवपुरी में अग्रसेन चौक है, वहीं अग्रसेन चौक के पास तात्या टोपे की समाधि बनी हुई है। ठीक है, और मैं आपको कई बार बताता हूँ कि शिवपुरी मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर है, इसे शिवनगरी भी कहा जाता है। और इसे जब शिवनगरी कहा जाएगा तो यहाँ पर कोई टोपी पहनाएगा क्या, हम बोलते ना यार टोपी पहना दी हमने, तो शिवनगरी में कोई टोपी नहीं पहनाएगा, तो तात्या टोपे की समाधि भी कहाँ होगी, कहाँ होगी, शिवपुरी में। ठीक है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है दोस्तों। और ए है आपका, ये है आपका शिवपुरी, यहाँ तात्या टोपी का क्या है, समाधि स्थल है, है ना, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ स्थित है, पेशवा बाजीराव की। अब बाजी हम बोलते हैं ना, बाजी मार ले गया, बाजी मार ले गया, तो यहाँ पर चित्र में देखो पेशवा बाजीराव का, यहाँ खरगोश है और यहाँ मेंढक है, बाजी कौन मारेगा, बाजी कौन मारेगा, अब आपको ही बताना है। तो आपने बताया क्या, खरगोश, तो बाजी मार रहा है खरगोश, तो खरगोश से क्या बनेगा, खरगोन, खरगोन। तो पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर होगी, खरगोन, क्योंकि बाजी कौन मार रहा है, खरगोश, तो खरगोश से खरगोन, बाजीराव की कहाँ है, खरगोन में। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, ये हैं पेशवा बाजीराव, है ना, बहुत ही प्रतापी थे और इनकी समाधि बनी है दोस्तों खरगोन में, और ये है आपका खरगोन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पेशवा बाजीराव की जो समाधि है वो कहाँ है, तो आप बता देना कि सर ने बताया, तो बाजी तो कौन मारता है, खरगोश, बहुत तेज दौड़ता है ना, तो खरगोश से खरगोन। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। बैजू बाबरी की, बैजू बाबरा की समाधि कहाँ स्थित है, बैजू बाबरा, हम बोलते ना दोस्तों कि वो तो बाबरा हो गया है, क्या हो गया है, बाबरा हो गया है, वैसे ही बैजू बाबरा, बैजू भी बाबरा हो गया था, काय के लिए, चांद के लिए, बैजू भी बाबरा हो गया था चांद के लिए, तो बैजू बाबरा की समाधि कहाँ होगी, अब आपको ही बताना है। तो ये हैं दोस्तों बैजू बाबरा साहब, ये चांद के लिए क्या हो गए थे, बाबरे हो गए थे चांद के, तो ये चंदेरी में हैं, और चंदेरी की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है आपको पता है, और चंदेरी में जागेश्वरी देवी का मंदिर भी लगता है, और बैजू बाबरा हो गया चांद के लिए, तो चंदेरी में बैजू बाबरे की समाधि स्थल है। ठीक है, ये बैजू बाबरा हैं, है ना, और ये है दोस्तों आपका चंदेरी, कहाँ है, अशोक नगर में, कहाँ पर है, अशोक नगर में है आपका चंदेरी, इस प्रकार से याद भी करना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। अब लक्ष्मी की बात अगर आ जाती है दोस्तों, तो लक्ष्मी की जल्दी से बताएं कहाँ पर है, हमने इनकी सहायिका झलकारी बाई की देखी थी, तो झलक दिखला जा, तो ग्वाल, है ना, ग्वाल से बोलते थे झलक दिखला जा, तो ग्वालियर में, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई, है ना, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहाँ होगी, ग्वालियर में, यानी कि जो डी नंबर है आपका, दा नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे याद करें कि लक्ष्मी तो हमें कहाँ मिल जाती है, गली गली में मिल जाती है, गली गली में
मिल जाती है तो लक्ष्मी बाई की समाधि कहाँ होगी? ग्वालियर में। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, ये हैं दोस्तों रानी लक्ष्मी बाई। आपने वो बड़ी होगी ना, खूब लड़ी मर्दानी बहतो, झांसी वाली रानी थी, है ना। तो इस प्रकार से वो भी आपने पढ़ी है, और ये लक्ष्मी बाई हैं, है ना। लक्ष्मी बाई यहाँ से आप देखें इनका जो समाधि है वो कहाँ पर है, ग्वालियर में है। लक्ष्मी बाई के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, ग्वालियर में, ये ग्वालियर है आपका मैप में भी आप देखें, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ स्थित है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा बताना है दोस्तों, और एक चीज़ बताना कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि नवाबों का शहर लखनऊ को भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में अगर बात होती है तो मध्य प्रदेश में नवाबों का शहर कहा जाता है भोपाल को। तो नवाब सिद्दीकी का जो मकबरा होगा वो कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भोपाल, है ना, क्योंकि भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता है। ये है दोस्तों नवाब सिद्दीकी का मकबरा, है ना, और इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है भोपाल को। झीलों की नगरी भी कहा जाता है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है, सर्प उद्यान भी यहीं पर है भोपाल में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, नवाबों, है ना, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भी यहीं पर है। अब छोटी सी चीज़ें आपको याद रखनी है कि नवाब जो है, नवाबों का शहर कहा जाता है भोपाल को, तो नवाब सिद्दीकी का मकबरा कहाँ होगा? भोपाल में। इस प्रकार से याद रखना है, और ये है अपनी राजधानी भोपाल, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है। रानी दुर्गावती, आपको, आप दुर्गा जी रखते हैं, दुर्गा जी रखते ना, तो दुर्गा जी के पास क्या जाते हैं, बारे भी जाते हैं और बूढ़े भी जाते हैं, बारे भी जाते हैं और बूढ़े भी जाते हैं। तो दुर्गावती की समाधि कहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी? वरेला। कहाँ पर होगी? वरेला। तो दुर्गा जी के पास बारे भी जाते हैं और बूढ़े भी जाते हैं, तो ये वरेला में, और ये वरेला कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर के पास, ठीक है। तो याद रख लेना दुर्गावती की समाधि कहाँ है, वरेला, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ये जबलपुर में स्थित है, ठीक है। ये हैं दोस्तों रानी दुर्गावती, और इनकी समाधि बनी है बरेला जबलपुर जिला में, ठीक है, याद रखते जाना है सिर्फ। अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा कहाँ है? चंगेज, दोस्तों हम बोलते ना कि यार तुम तो बहुत चंगे मंगे हो, कैसे हो, चंगे मंगे हो, यहीं से चंगे, चंगे हो या मंगे हो, दुबले हो या पतले हो, पानी की धार में सब बह जाते हैं दोस्तों। क्या बह जाते हैं? धार में सब बह जाते हैं, चाहे चंगे हो चाहे मंगे हो, धार में सभी बह जाते हैं। तो अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर आया है धार में। कहाँ पर है? धार में, क्योंकि चंगे मंगे धार में सब बह जाते हैं। तो चंगेज का मकबरा धार, और ये है दोस्तों चंगेज का मकबरा, ठीक है, ये धार में है और बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है, और ये है आपका धार, यहाँ पर आपका चंगेज का मकबरा है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, महारानी सांख राजे सिंधिया की समाधि कहाँ स्थित है। सांख राजे सिंधिया की जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है? और दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम शिव जी की पूजन करने जाते हैं, शिव जी की मूर्ति के पास जाते हैं, तो हम क्या बजाते हैं? शंख बजाते हैं। बजाते कि नहीं बजाते? बजाते हैं। तो ये वो शंख हैं, है ना, शंख से बनेगा शंख, और शंख बजाते हैं शिव जी के दर्शन करने जाते हैं जब, तो ये शंख राज्य जी की जो सिंधिया होगी, जो समाधि होगी, वो कहाँ पर बनेगी, कहाँ पर बनेगी? शिवपुरी, क्योंकि इसे शिव नगरी भी कहा जाता है, और जब शिव के पास जाएंगे तो शंख जरूर बजाएंगे। तो महारानी शंख राजे सिंधिया की जो समाधि है वो कहाँ बनेगी? शिवपुरी में, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको याद हो रहा है, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। और ये है दोस्तों शिवपुरी, प्रथम पर्यटन नगरी भी है शिवपुरी, ठीक है, और यहीं पर तात्या टोपे को फांसी भी दी गई, और शंख राजे की यहाँ पर समाधि स्थल भी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। करना बाबा, करना बाबा की समाधि कहाँ स्थित है? करना बाबा, तो जल्दी बताएं कहाँ पर है करना बाबा, है? तो याद रखना ना दोस्तों कि जब करना की बात आती है, तो हम बोलते ना कि हमें सब काम संग करना है, संग में करना है। कहाँ करना है? संग में करना है, संग करना है। तो करना बाबा की समाधि कहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी? संग की बात आ रही तो होशंगाबाद, है ना। हमें सारे काम, हम बोलते ना हमें सारे काम संग में करना है,
तो करना बाबा की समाधि कहाँ पर होगी? होशंग शाह में, होशंगाबाद में या शिवपुरी में? तो आपका बिल्कुल सही है, होशंगाबाद। ठीक है, करना है संग में करना है, ठीक है, इस प्रकार से हमें याद रखना है। और ये है दोस्तों होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद आपको याद रख लेना है। यहाँ पर तवा बांध बना है होशंगाबाद में, है ना, तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है तवा बांध, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी। अब एक चीज़ बताना दोस्तों, दौलत किसको बुरी लगती है, किसको बुरी लगती है? अगर मैं आपको दे दूं 5 लाख रुपए, आपको बुरी लगेगी? नहीं लगेगी। तो दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर होगा? दौलत हमें बुरी नहीं लगती तो ये कहाँ पर होगा? बुरहानपुर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल सही है। अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ है, तो आप बता दोगे, एग्जाम में भी बैठे होगे तब भी आपको याद आएगा कि सर ने बताया था कि दौलत किसी को बुरी नहीं लगती, यानी कि बुरहानपुर। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों दौलत खां लोधी, है ना, और ये है आपका बुरहानपुर खंडवा के नीचे, यहाँ पर दौलत खां लोधी का मकबरा स्थित है। ठीक है, ऐसे आपको याद भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो रानी अवंतीबाई की समाधि बतानी है और बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, क्या है वो? है मंडला, और ये मंडला में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर रानी अवंतीबाई, है ना, रानी अवंतीबाई की जो सहयोगी थी गिरधारी बाई, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? ये सारे मंडला में हैं, तो इनको याद रख लेना है दोस्तों। अब आपको बताना है, और ये मंडला है आपका यहाँ पर मैप में, अब आपको बताना है दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। सारे मकबरे आपको याद हुए कि नहीं हुए, है ना? अब आपको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जब आप परीक्षा में बैठेंगे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा आपसे अगर पूछा जाएगा कि गिरधारी बाई का मकबरा कहाँ स्थित है, गिरधारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो आपको याद आ जाएगा गिरधारी कान्हा को बोला जाता है, और कान्हा को देखकर मन डोला, तो गिरधारी बाई का समाधि स्थल मंडला में। ठीक है, सांख राजे सिंधिया का समाधि स्थल कहाँ है? तो सांख हम बजाते हैं जब शिव के पास जाते हैं, तो सांख राजे सिंधिया का शिवपुरी में। ठीक है, इस प्रकार से चंगेज खां का चंगेज का कहाँ पर है? तो चंगे मंगे सब बह जाते हैं धार में, तो धार में है। तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखना है और वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। और व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ जाना, इंस्टाग्राम में सर्च करना सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, और फेसबुक से जुड़ने के लिए आपको सुमित जैन सर्च करना है। और ये है टेलीग्राम, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। जय हिंद।